Assalamualaikum students, I hope so you are fine. Today we will discuss about bug and debugging. What is debugging and what is bug? So bug, the error in a program, simply is called bug. And debugging, the process of finding and removing the error in the program is called debugging. So we have both examples which can understand us all the difference between bug and debugging. Okay, तो हमारे पास सबसे पहले एक प्रोग्राम है जहाँ पर प्रोग्राम नंबर वन को हम फिगर नंबर वन देखें तो 10 पे सी एल एस इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एन वन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर एन टू और प्रोडक्ट एन इक्वल एन मल्टीप्लाई बाय एन टू प्रिंट प्रोडक्ट इस एंड प्रो एंड प्रोग्राम एंड. So what is the bug in this program? Anybody guess? Any idea? No. Okay. Let me tell you. So यहाँ पर हमारे पास actually problem क्या है, ये program आपका computer पर run नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर एक bug है. वो bug क्या है कि आप इस program को ज़रा गौर से रीड करें. हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर हमने n1 वन वेरिएबल n2 टू वेरिएबल यूज किए, इस फाइन. प्रोडक्ट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n2, टू फाइन. प्रिंट प्रोडक्ट इस द वेरिएबल प्रो इज द बग, क्योंकि इसके अंदर जो ऊपर हमने प्रोडक्ट लिया है और इसके ऊपर हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, लेकिन स्टेप नंबर 15 पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है. प्रो मींस कि ये आपका जो वेरिएबल प्रो है जो प्रिंट लाइन नंबर 15 पे लिखा हुआ है, ये 40 के साथ मैच नहीं करा. इस सूरत में क्या होगा कि आपको ये एरर देगा, और ये जो एरर है ये एक्चुअली बग कहलाता है. अब इसको डिबग करने का तरीका क्या है, इसी को डिबग करके मैंने सेकेंड फॉर्म प्रोग्राम की बनाई हुई है जिसके मुताबिक 10 पे सी एल एस इनपुट पे एंटर फर्स्ट नंबर वेरिएबल ए, एन वन भी काम करेगा लेकिन यहाँ पर मैंने वेरिएबल ए ले लिया. समटाइम एन वन एन टू काम नहीं करता, प्रॉब्लम करता है कुछ वर्जन्स में, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर ए और बी वेरिएबल्स दिए. इसके बाद प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म प्रो ले लिया मैंने, प्रो इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसके बाद प्रिंट प्रोडक्ट इस और यहाँ पर आगे वेरिएबल प्रो यूज किया है मैंने. सो ये जो वेरिएबल प्रो है ये आपको बताएगा, मतलब यहाँ पर लाइन नंबर 40 और लाइन नंबर 50 के ऊपर दोनों ही प्रो हैं और ये दोनों सेम है. इस सूरत में क्या होगा कि ये कंप्यूटर रूल्स के मुताबिक जो है वो इसको सही प्रिंट कर देगा. लेकिन अगर जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि लाइन नंबर 40 पे प्रोडक्ट लिखा हुआ था लेकिन लाइन नंबर 50 में हमने इसको प्रो कर दिया, तो ये दोनों मिसमैच होने की वजह से एरर आएगा और प्रिंट नहीं करेगा. तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लाइन नंबर 50 पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको एज इट इफ उसी तरह से ही आगे वेरिएबल के तौर पर हमने डिक्लेयर करवा के उसको प्रिंट करवाना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. सो ये था हमारा डिफरेंस बग और डिबग में. बग प्रोग्राम के अंदर जो एरर होता है, और डिबगिंग के हम प्रोग्राम में से किसी भी मिस्टेक को निकाल करके उसको रिमूव कर दें प्रोडक्ट और उसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें, तो वो हमारा डिबग कराता है. आज के लिए इतना ही, तब के लिए इजाज़त, अगले वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.